होली के त्योहार को बदनाम करने के लिए कई तरह के ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जिनसे होली का त्यौहार बदनाम। बाहर से डांसर बुलाकर अपने होटलों में नचवाना, अश्लीलता परोसना, समाज में और संस्कृति को खराब करना, ये होटलों ने एक अपना चलन बना लिया है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। लेकिन रशियन डांसर यहाँ के अगर वो कर रही है वो रेन डांस, उसका क्या उचित है, आप समझ के चलिए। बरेली के नामचीन और एकमात्र 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में होली पर होने वाले रशियन डांस को लेकर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय राष्ट्रवादी दल ने सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की है। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का कहना है कि हाल ही में संचालित हुए होटल रेडिसन ब्लू में होली के उत्सव से पूर्व 17 मार्च को रंग बरसे नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अंशु अग्रवाल ने होटल रेडिसन ब्लू पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इस होली आयोजन में रशियन डांसर होटल रेडिसन ब्लू द्वारा बुलाई जा रही हैं, जबकि अन्य स्थानों की नर्तकी के नाचने पर पाबंदियां हैं। फिर भी होटल रेडिसन ब्लू संचालक प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। इस आयोजन के दौरान भांग दारू आदि की भी व्यवस्था होने की बात सामने आई है। अंशु अग्रवाल ने कहा कि ये आयोजन एक तरीके से कहा जाए तो दारू पीने और नशा करने वाली लड़कियों के साथ डांस करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर प्रशासन से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 15-20 सालों से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि होली को नशा मुक्त किया जाए, मगर इस तरीके के लोग नशे को और बढ़ावा दे रहे हैं, होली की संस्कृति को बिगाड़ते हुए अश्लीलता परोस रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय राष्ट्रवादी दल ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट ने इस बाबत ऐसे प्रोग्राम जो कि नियम विरुद्ध हैं उनको न कराए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं किया जाएगा जो नियम विरुद्ध होगा। होटल रेडिसन ब्लू में होने वाले 17 मार्च के प्रोग्राम को लेकर उन्होंने इंस्पेक्टर इज्जत नगर को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर नियम के विरुद्ध काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, नियम विरुद्ध काम करने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी 3 दिन पहले एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया था, क्योंकि ये सूचना मिली थी बरेली में खुले 5 स्टार होटल और अन्य होटलों में होली के त्यौहार को बदनाम करने के लिए कई तरह के ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जिनसे होली का त्यौहार बदनाम। जबकि हम पिछले लगभग 15 से 20 सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम होली को कैसे नशा मुक्त शराब मुक्त होली मना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर से डांसर बुलाकर अपने होटलों में नचवाना, अश्लीलता परोसना, समाज में और संस्कृति को खराब करना, ये होटलों ने एक अपना चलन बना लिया है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। इसलिए हमने 3 दिन पूर्व एक ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में ये मांग रखी थी कि इस तरह के किसी भी आयोजन को प्रशासन के द्वारा परमिशन ना दी जाए। रशियन डांसर शायद बुला रहे हैं वो लोग, और उसी ज्ञापन का आज हम लोग यहाँ पर लिखने आए हैं कि हमारे ज्ञापन पर क्या संज्ञान लिया गया, क्या कार्रवाई की गई, वही आज हम लोग पता करने आए हैं। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने और ACM फर्स्ट साहब ने हमें खुद ये आश्वासन दिया है कि कोई भी काम नियम विरुद्ध नहीं होगा, जो भी काम होगा वो नियम के अनुसार होगा। और इज्जत नगर पुलिस को भी यहाँ से ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे होली के त्यौहार को बदनाम करें। सबसे गलत बात अगर है कि इसमें महिलाओं को फ्री एंट्री है, अब पुरुषों का टिकट बहुत है, यही सब चीज़ को केवल बता देता है कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। भाई आप समझ के चलिए कि रेन डांस की अनुमति वो कह रहे हैं कि हमारे पास है, जैसा कि अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बात करी है, तो रेन डांस अगर शहर के नागरिक अगर कर रहे हैं और अपने परिवार को लेके जा रहे हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रशियन डांसर यहाँ के अगर वो कर रही है वो रेन डांस, उसका क्या उचित है, आप समझ के चलिए। सबसे बड़ी बात और ये भी है कि होटल के जो प्रशासन है, जो मालिक लोग हैं, वो किसी और धर्म से हैं और ज़्यादातर लोग वो और हैं जो इस तरीके का ये काम कर रहे हैं, तो हम इसके साथ नहीं हैं। निवेदन की भाषा अब हम लोगों ने बंद कर दी है, अगर हमारी बात अगर नहीं सुनी गई तो इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, ये प्रशासन अच्छी तरीके से जान ले।